भारतीयों ने यहाँ पर कई सदियों से नावों में बैठकर मछली पकड़ी है। ऊपर से देखने पर पता चलता है कि आज भी एक व्यस्त फिशिंग पोर्ट है वेरावल। इनमें से बहुत सी नाव फाइबर ग्लास की बनी हैं, पर कुछ लकड़ी की भी हैं, जिन्हें सदियों पुरानी तकनीकें इस्तेमाल करने वाले कारपेंटर्स ने बनाया है। नाव बनाना मंसूर कुरैशी का खानदानी पेशा है। वक्त बदला है, लेकिन इनका तरीका नहीं। वाहन बनाने में 7 पीढ़ी चला गया हमारा, तो लकड़ी का जहाज हो या लकड़ी का बोट हो, किसी ने ये हम ही बना रहे हैं, हमारा कुटुंब ही बना रहा है, दूसरा कुछ कोई बना नहीं रहा है अभी तक। मैं लकड़ी से ही काम पूरा करूंगा, मेरे बच्चे को भी लकड़ी का ही काम सिखाऊंगा मैं। मंसूर अपने अमीर और परंपरा के शौकीन ग्राहकों के लिए हर आकार की छोटी बड़ी लकड़ी की नाव बनाते हैं। इनकी बनाई नावों की क्षमता 40 से 1500 टन के बीच होती है। मंसूर इस हफ्ते बहुत दबाव में है और इनकी टीम को धाव कही जाने वाली इस बड़ी फिशिंग बोट को अगले 7 दिनों में ज्वार के आने से पहले पूरा करना होगा। अगर देरी की वजह से ज्वार आकर चला गया तो मंसूर को इस नाव को ग्राहक तक पहुंचाने के लिए 1 महीना और रुकना पड़ेगा। ये धावे अभी 3 साल से बनाता है हम। ये सबसे बड़ा जहाज है लकड़ी का, ये 1500 टन का वाहन है। आदमी लोग इसमें 25 से 30 आदमी काम करता है, उसमें बनाने में बहुत तकलीफ होता है ये चीज़ को अभी, लेकिन फिर भी बनाता है क्योंकि हमारे खून में ये चीज़ है। आज मंसूर को इस नाव को पानी में उतारने से पहले इसके ढांचे पर एक आखिरी बार नजर डालनी होगी। लकड़ी का हर एक पैनल और हर जोड़ बिल्कुल सही होना चाहिए, हर कमी दूर करनी होगी। मंसूर की टीम के लिए डिलीवरी में देरी अच्छी खबर नहीं होगी। इस तरह की नाव के ढांचे की शुरुआत लकड़ी के एक अकेले टुकड़े से होती है, जिसे कील कहते हैं। कारीगर नाव के आकार को सहारा देने के लिए लकड़ी के बड़े तख्तों से एक फ्रेम बनाते हैं, फिर नाव पर बाहर से दिखने वाली लकड़ी की आखिरी सतह लगाई जाती है। मंसूर की टीम के हुनरमंद कारीगर इस धाव को जोड़ने के लिए सिर्फ नट्स और बोल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। मंसूर की जांच पूरी हुई, नाव का ढांचा बिल्कुल सही है, और क्योंकि काम सही वक्त पर पूरा हो गया है, इसे डिलीवर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।